आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जहां एक और अभी भी धीमी गति से कोरोना मरीजों की संख्या आगे की ओर बढ़ रही है, तो वहीं वैक्सीन पर भी काम तेजी से चल रहा है। अनुमान है कि तीसरे हफ्ते से ये वैक्सीन एसएन मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को लग सकती है। शुरुआती दौर में टेस्टिंग डोज दी जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिसकी जानकारी एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संजय काला ने दी। नहीं देखिए, अगर हमें फाइजर वाले को अप्रोच कर रहे हैं कि अगर वो तैयार हो जाते हैं तो हम अपने यहाँ पे अनुमति ले करके हम लोग यहाँ पे फाइजर का जो ट्रायल है वो शुरू कर देंगे। चूँकि सरकार 4 करोड़ जैसे पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ACS महोदय श्री रजनीश दुबे जी द्वारा बताया गया कि 4 करोड़ वैक्सीन का भंडारण ऑलरेडी हो चुका है हमारे पास में तैयार है, जिसमें से एक वैक्सीन है कोवैक्सीन है और दूसरी ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेटिका है। तो उससे स्वास्थ्य कर्मियों को जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के दृष्टिगत हम लोग अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जो आपने बताया कि अलग अलग वैक्सीन का अलग अलग तापमान है, तो हम जो सरकार से अभी परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को -80 डिग्री टेम्परेचर के डीप फ्रीजर्स मिल जाए। नहीं ऐसा नहीं, देखिए हर वैक्सीन की कोई भी वैक्सीन ने, जैसे लोग क्लेम कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी वैक्सीन 60% है और विदेशी वैक्सीन 95% है, ये खुद फाइजर ने भी अभी एक्सेप्ट किया है कि इसको डाटा भी आने बाकी हैं, तो प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरे को जो अभी तक अनुभव में आया उसके दृष्टि से जो इंडियन वैक्सीन है वो केल्ड वैक्सीन है और सबसे ज़्यादा सेफ लग रही है हमको। मॉनिटरिंग के लिए उसके लिए पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा। हमारे यहाँ वैसे ऑलरेडी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलते रहते हैं पीडियाट्रिक्स में और SPM में, तो हमारे यहाँ मॉनिटरिंग की कोई मतलब पूरी तैयारी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पूरा अस्पताल है, तो जो जब भी हम इम्यूनाइज करेंगे तो उसके बाद में कुछ समय के लिए जो भी जिसको वैक्सीन लगेगी उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। उन लोगों को जो बकायदा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे वैक्सीन है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए एक प्रॉपर वार्ड बनाया जाएगा और वहाँ जहाँ पे मॉनिटर्स इत्यादि अवेलेबल रहेंगे, ताकि मान लीजिए किसी को कोई तत्काल कोई रिएक्शन होता है तो उसके लिए हम लोग तैयार रहें।